मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रामजस यादव वंस अगेन जस्ट बिफोर यू विद टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिक्स रिप्रोड्यूस रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड 10। स्टूडेंट्स, हम आज बायोलॉजी स्टैंडर्ड 10 के नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिक्स रिप्रोड्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो और इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन मीन्स यू नो दैट एवरी लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, देयर ओन बेबीज लाइक देम, एंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लाइफ आर कंटिन्यू ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कई हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से जीवन क्या चला रहा है, तो वह कैसे संभव है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन। व्हाट विल बी हैपन इफ देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन, अगर क्या होगा जब प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगी? मीन्स यू नो दैट एवरी लिविंग बींग्स हैव अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ देयर लाइफ स्पॉन। आप जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव है उसका एक निश्चित जीवन काल होता है ना, जीवन काल होता है। अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो द अर्थ विल बी टोटली एंड, मीन्स अर्थ विल बी विदाउट लिविंग बींग्स। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धरती पर कोई जीव नहीं रहेगा ना, नहीं बचेगा ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए रिप्रोडक्शन इफ लिसन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इनसाइड आवर बॉडी लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, अनेक प्रकार की जो लाइफ प्रोसेस चल रही है। एंड व्हाट विल बी हैपन देयर मीन्स क्या यू हिसाब भी जानते हैं, आप ये मानते हैं कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी है? अगर सपोज करें कि रिस्पायरेशन नहीं होगा या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन नहीं होगा तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अभी रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्पीसीज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। इस स्पीसीज विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। जो प्रजातियां हैं वह एक निश्चित समय के बाद क्या करेंगी, विलुप्त हो जाएंगी ना, इफ रिप्रोडक्शन विल बी नॉट आफ्टर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक निश्चित समय के बाद जो स्पीसीज है, जो डिफरेंट स्पीसीज है, वो क्या होगी, विलुप्त हो जाएंगी ना। तो स्पीसीज को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, नेसेसरी प्रोसेस है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आप देखेंगे दूसरा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन ना। अब रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस देयर यंग वंस और देयर बेबीज देयर प्रोजेनी ना द प्रोसेस थ्रू व्हिच आयन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग देयर प्रोजेनी देयर इंडिविजुअल ऑर्गेनोइड रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने संतानों को उत्पन्न करता है इंडिविजुअल्स प्रोजेनी या बेबीज जो भी कह लीजिए ठीक है उसको उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आप देखते हैं कि जितने भी जैसे क्या है डॉग डॉग का जो पपी है वो डागी जैसा होता है ना या शेर का जो कब होता है लायन का कब होता है वो शेर के जैसा होता है ना उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी जैसे होते हैं ना। तो अब देखिए वाई अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट ये तो रिप्रोडक्शन हो गया उसके बाद में वाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी प्रजनन क्यों आवश्यक है ना प्रजनन क्यों आवश्यक है ना। तो देखिए आप इसका देख लीजिए टू रिटेन लाइफ ऑन अर्थ पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए पृथ्वी पर जीवन जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है रिप्रोडक्शन आवश्यक है टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस। देखिए इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशन क्या होते हैं और वेरिएशन के बाद होते हैं तो नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती है ना टू टू प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज टू प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज मींस ये जो रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है टू रिटेन लाइफ ऑन अर्थ ना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए में या जीवन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है आवश्यक है ना। अब क्या है टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस मींस जो वेरिएशंस आते हैं ना अभी देखते हैं कि हम सभी लोग अभी अपने पेरेंट्स के संतान तो हैं लेकिन 100% मैच नहीं है क्यों हम लोग अपने मम्मी पापा से 100% मैच है डिफरेंस है ना कुछ गुड क्वालिटी मिलते हैं ना तो क्या ऐसा क्या होता है ड्यू टू वेरिएशंस यह वेरिएशंस के कारण होता है। वेरिएशंस कैसे उत्पन्न होती है जो क्रोमोजोम्स होते हैं मेल और फीमेल क्रोमोजोम्स जब पेयर करते हैं तो उनमें वेरिएशंस आ जाता है उसी की वजह से जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं डिफरेंस हो जाते हैं ठीक है ना। अब देखिए टू प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज आप जो है धीरे धीरे जो है वेरिएशन के थ्रू नई प्रजातियां उत्पन्न हो जाती है। अब देख लीजिए डॉग के केस में डॉग क्या जो देसी डोमेस्टिक डॉग होते हैं जैसे ऐसे जो जंगली या वाइल्ड डॉग या जैसे हैं तो डॉग की कितनी वैरायटी आ गई है ना तो कैसे हुआ है धीरे धीरे वेरिएशन के थ्रू रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू स्पीसीज उत्पन्न हो गई है ना। अब देसी डॉग जो है या डोमेस्टिक जो है या आप देखते हैं कि बड़े बड़े बाल वाले लॉन्ग हेयर बड़े बड़े कद वाले अलग प्रकार के डॉग हैं तो कैसे आए ड्यू टू रिप्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस एंड दी वेरिएशंस लीड्स टू न्यू स्पीसीज ठीक है ना। तो ये सब के नई प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए भी क्या है रिप्रोडक्शन क्या स्टेट्स नेसेसरी ना ओके। आप यह जो आगे हम देखेंगे अब देख लीजिए कि रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन की कई मेथड्स हैं
जैसे मेनली टू टाइप्स रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो क्या हैं, टू टाइप्स हैं, देखिए उसको अब देख लेते हैं थोड़ा सा सिंपली। ये सेक्सुअल में क्या है फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं, रिप्रोडक्शन वो दो प्रकार का होता है, देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स है। जैसे ए सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पैरेंट, इसमें क्या होता है सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट और सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व ना, और इसमें क्या होता है डबल पैरेंट ना, बोथ पैरेंट मतलब टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व ना, टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन्वॉल्व। देखिए इसमें क्या है कि जैसे इस सेक्शन में क्या है फिजन है, फिजन है, बॉन्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है ना, एंड रीजनरेशन है ना। आप देखिए इसी में आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग ना, ठीक है। अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल मेल ऑर्गन या मेल इंडिविजुअल्स प्लस फीमेल ऑर्गन, ठीक है ना। तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म, अब फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है ओवम, अब स्पर्म में क्या जैसे स्पर्म है या इसको और दूसरे बोल सकते हैं प्लांट केस में क्या है पॉलन, पॉलन ग्रेन्स या इसमें ओवम या एक, ठीक है ना। आप ये जुड़ कर क्या बनाते हैं स्टूडेंट जायगोट, जायगोट्स क्या बनता है जायगोट्स है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोस क्या बनता है फिर एम्ब्रियोस प्लांट में क्या बनता है सीड बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, और एनिमल में क्या होता है एम्ब्रियो से बेबी या फिटस बनता है ना। तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।